हेलो फ्रेंड्स आर यू ऑल वेलकम टू माय चैनल एक दंत एजुकेशन टुडे वी केम अप विद न्यू वैकेंसी फॉर एचआर ट्रेनिंग इन पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तो पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट निकाली है एचआर ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए थ्रू यू नेट डिसम्बर ट्वेंटी जो आपका अभी ऑनलाइन फिलिंग चल रहा था ठीक है यू नेट का ऑनलाइन फिलिंग चल रहा है और उसकी एग्जाम फेबर 2023 में कंडक्ट होने वाली है ठीक है तो बेस्ड ऑन डैट द रिक्रूटमेंट इज इन द पोस्ट ऑफ एच आर ट्रेनिंग ओके सो ऑल स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हु आर बिलोंगिंग टू एच बैकग्राउंड For them, this is the very good opportunity, and one more vacancy is there in another PSU, and shortly we came up with that vacancy also. So let's uh, start. And yes, friends, uh, before starting or moving ahead with this advertisement, I want to say that uh, if you are new to this channel, please subscribe the channel and stay update with this channel for the further updates of this examinations. And apart from this. इफ़ यू आर वेरी मच ईगर टू नो एंड यू वॉन्ट टू वॉच द वीडियो टू सी द डिटेल्ड एडवरटाइजमेंट यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ दिस वीडियो अप टिल एंड आप लास्ट तक देखते रहिए और जिसको इस वीडियो को यहीं पर एंड करना है उनके लिए मैं बता दूँ कि इसमें टोटल एच आर पोस्ट के लिए थर्टी फाइव वैकेंसीज हैं और सिलेक्शन होगा यूजीसी नेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू के बेसिस पे ओके okay, फ्रेंड्स तो ये थी अपडेट इसकी जो ऑनलाइन फिलिंग स्टार्ट होने वाली है पावर ग्रिड के पोर्टल के ऊपर वो चालू होने वाला है आपका इन द मंथ ऑफ फेबरुअरी फेबरुअरी मंथ में ऑनलाइन पोर्टल इसका ओपन होगा एप्लीकेशन भरने के लिए इसकी फ़ीस है 500, ठीक है और बाकी आपको बाद में जब टाइम मिले तो आप इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट रीड कर लीजिएगा और जिस कैंडिडेट्स को इसके बारे में और जानना है तो हम उनके लिए आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है तो यू कैन सी ओवर हियर डैट रिक्रूटमेंट ऑफ एच आर ट्रेनिंग थ्रू यू जी सी नेट एंड अगर एच आर ट्रेनिंग की बात आती है तो यू जी सी का पेपर कोड नंबर फिफ्टी फाइव आपको देना कंपल्सरी होगा अगर यू जी सी के बेस पर अगर कोई रिक्रूटमेंट होती है तो ठीक है ना बिकॉज फॉर एच आर फॉर ह्यूमन रिसोर्स देन इंडस्ट्रियल पर्सनल रिलेशनशिप ये सभी चीज़ के लिए यू जी सी का पेपर कोड नंबर फिफ्टी फाइव देना होता है तो आइए जानते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके अंदर तीन आएंगे जैसे कि आप पावर ग्रिड आएगा इसके अलावा सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन तो ये तीन एंटिटी के अंदर जो रिक्रूटमेंट होना है एच पोस्ट के लिए वो ये तीन एंटिटी के अंदर होगा ठीक तो है तो आइए जानते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है कौन सी एंटिटी के अंदर ओके यस सो हियर इट इज दैट फॉर असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग एच आर पावर ग्रिड टोटल वैकेंसी इज ट्वेंटी सेवन एंड फॉर एच आर ऑफिसर ट्रेनिंग एच आर इन सी टी यू आई एल जीरो थ्री एंड फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एच आर दामोदर वैली कॉरपोरेशन वैकेंसीज़ टोटल फाइव सो पावर ग्रिड के अंदर टोटल वैकेंसी ट्वेंटी सेवन है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है है ना सो दिस वॉज़ दी वैकेंसीज कितनी वैकेंसीज है एंड अपार्ट फ्रॉम देट कितना रिजर्वेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर देन कम्स योर एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया एलिजिबिल क्राइटेरिया के अंदर ये बोला है कि आपके पास टू ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा एम बी ए इन एच आर या फिर पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन सोशल वर्क इसके अंदर सिक्सटी परसेंट से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए आपका इतना एलिजिबलिटी होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस दर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑल्सो डैट दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो भी हैं जिनका एकेडमिक ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री है और जो अपने रिजल्ट टाइमली उन्होंने मेंशन किया हुआ है डेट कि आप अगर 14 ऐट ट्वेंटी से पहले तक अगर आपका रिज़ल्ट अनाउंसड हो जाता है तो ही आप इसमें अप्लाई करें ठीक है ना ना कि आप आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो इसके बाद आए और आप एलिजिबल हो जाते हैं आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं यूजीसी भी क्लियर कर लेते हैं अच्छे मार्क्स से आपका मेरिट में भी नाम आ जाता है लेकिन आपका रिजल्ट्स अगर फोर्टीन एट ज़ीरो फोर्टीन एट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक आपका रिजल्ट अगर आपके हाथ में नहीं हो तो फिर आप इस चीज़ के लिए आप इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे क्यों ना आपका यूजीसी में बहुत अच्छा रैंक भी आया हो तो भी ठीक है so तो ये बात को बहुत ध्यान रखिए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स स्पेशली ओके चलो आगे बढ़ते हैं आप देख सकते हैं इसके अंदर एज अपर एज लिमिट दिया हुआ है ट्वेंटी एट ईयर्स ओके ट्वेंटी एट ईयर इज द अपर एज लिमिट एंड वैलिड स्कोर इन यू जी सी नेट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो रिसेंटली पेपर होने वाला है फेबरुअरी में ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में वही कंसिडर करेंगे पुराने यू जी सी नेट का स्कोर कार्ड इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा ठीक है और इसमें क्लियर कट लिखा गया है कि आपके दोनों पेपर के अंदर पेपर वन एंड पेपर टू में एग्रीगेट फोर्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं पेपर कोड फॉर एच आर कैंडिडेट यू नो वेरी वेल इट्स फिफ्टी फाइव ओके मूविंग अहेड इट्स रिलैक्सेशन एंड कंसेशन क्या है वो जो सभी एग्जाम्स में होते हैं सही वही है यहाँ पर भी है ना किसको कितना कंसेशन मिलने वाला है फाइव ईयर्स थ्री ईयर्स एज रिलैक्सेशन डोमिसाइल जे एंड के के डोमिसाइल्स होंगे तो उनको भी मिलता है इसमें कंसेशंस तो वो सब है इसके अंदर आगे बढ़ते हैं हाउ टू अप्लाई हाउ टू अप्लाई में ये है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है पहले तो पेपर यू नेट के लिए आप उसका एग्जाम दे देंगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इन द मंथ ऑफ फेबरुअरी जो मैंने आपको बोला था है ना यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे ही आपका एग्जाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद टेंटेटिव कैंडिडेट टेंटेटिवली कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर दैम ऑनलाइन है ना आपको रजिस्टर करना है पावर ग्रिड uh, के वेबसाइट पे जाके कब से कब तक इलेवंथ ऑफ फेब्रुवरी ओके सॉरी दिस इलेवेंथ ऑफ फेबरुअरी से मार्च फिफ्थ तक इस दौरान आपको इस ड्यूरेशन के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन पावर ग्रिड के वेबसाइट पे जाके कर लेना है अगर आप बहुत ही श्योर हैं कि मैं यूजीसी क्लियर कर जाऊंगा तो ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस आप जो भी एग्जाम देने जाएंगे आपका वहाँ पर जो एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन होगा उस एडमिट कार्ड को आपको संभाल के रखना है क्योंकि ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको वो एडमिट कार्ड वहाँ पर वो लोग मांगेंगे पावर ग्रिड के मैनेजमेंट वाले कि आप हमें वहाँ का एडमिट कार्ड दीजिए कि आपको वो एडमिट कार्ड मांगने का रीज़न यही है कि वो आपसे जस्ट वेरीफाई करेंगे कि आपने ही एग्ज़ाम दिया था और आपने ही यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है ठीक है तो फॉर वेरीफ़िकेशन दे विल आस्क द एडमिट कार्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेसन ऑल्सो ओके तो आपके पास तीन ऑप्शनस रहेंगे तीनों एंटिटी के बारे में आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा एंटिटी को सिलेक्ट करते हैं ओके okay. एंड ये सब डिटेल्स दी गई है अपार्ट फ्रॉम दैट द एप्लीकेशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल फाइव हंड्रेड रुपीज़ ओके इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि अगर कैंडिडेट को ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाएगा यू के नेट के एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग पे और उसका जो ऑफिशियल स्कोर कार्ड रहेगा उसके साथ ठीक है ना सो डैट वेरीफाई हो जाएगा कि आपने ही एग्जाम दिया था आपका ही एग्ज़ाम एडमिट कार्ड है और आप ही यहाँ पर आए हुए हैं डॉक्यूमेंट के लिए ठीक है ना तो तो जैसा मैंने आपको बताया था तो वो एडमिट कार्ड को आप संभाल के रखना ठीक है मूविंग अहेड सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस होगा यूजीसी नेट के बेसिस पे आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है फिर आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो ऑटोमेटिक उनके वेबसाइट पे वो लोग चेक कर लेंगे रिफ्लेक्ट हो जाएगा उनको जिन्होंने अप्लाई किया रहेगा कैंडिडेट्स कि ये कैंडिडेट्स का कितना मार्क्स आया है है ना तो उसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा उसके बाद आपका होगा ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका होगा इंटरव्यू ओके उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस ओके अब हम देखते हैं कि नीचे साइड पे क्वालिफाइंग परसेंटेज इन इंटरव्यू आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए फोर्टी परसेंट है और ओबीसी बी सी एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी वालों के लिए कितना है थर्टी परसेंट है ओके okay. अब वेटेज देख लेते हैं वेटेज आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स ये लोग कंसिडर करेंगे आपका यू जी सी स्कोर कार्ड ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू तो यू जी सी नेट का जो एग्रीगेट आपका आउट ऑफ हंड्रेड आएगा उसको एट्टी फाइव परसेंट में कन्वर्ट करेंगे देन वट एवर मार्क्स यू हैव ऑप्टेन इन द ग्रुप डिस्कशन डेट विल बी कन्वर्टेड टू थ्री और थ्री परसेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट Your uh, personal interview will be converted into 12 percent. So, overall, out of 100, you will be scored, and the merit list will be prepared accordingly. Okay, friends, moving ahead, that uh, these are the health, medical, and all that things compensation package. You can see in power grid and CTUIL, you will get initially for one, one year. डूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड फोर्टी थाउजेंड एलोंग विथ आई डी एच आर एंड पर्क ऑफ ट्वेल्व परसेंट बेसिक्स ओके एंड आफ्टर दैट यू विल बी प्लेस्ड इन ई टू ग्रेड ओके ई टू ग्रेड में आपको प्लेस किया जाएगा और अगर आपका सिलेक्शन दामोदर वैली कॉरपोरेशन में होता है तो आप एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे तो आपका पे स्केल होगा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड टू वन लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके और वो भी रहेगा वन ईयर का प्रोबेशन पीरियड उसके बाद आपका भी आपको डायरेक्टली आपका जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो आप एज असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ पर सेम स्केल पे ज्वाइन करेंगे और आपके जो पर्क्स हैं वो बदल जाएंगे है ना आपको ज़्यादा पर्क्स और अदर बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज यू विल नाउ बिकम द असिस्टेंट डायरेक्टर ओके प्रोबेशन पीरियड के बाद में ना आगे देखते हैं सर्विस एग्रीमेंट बोर्ड सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड में आप जानते हैं कि एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना होता है और यहाँ पर इन पावर ग्रिड यू विल फाइंड दैट द सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड इज ऑफ थ्री ईयर्स थ्री ईयर्स का सर्विस बॉन्ड है है ना और अपार्ट फ्रॉम दैट द बॉन्ड अमाउंट इज योर फाइव लैख फॉर ओ फॉर जनरल एंड ओ एंड ई एंड टू लैक फिफ्टी थाउजेंड फॉर एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू टी ठीक है इतना है बॉन्ड अमाउंट जो आपके सैलरी से एवरी मंथ डिडक्ट होता रहेगा ओके okay? Moving ahead, uh, some general information and instructions are there. Very basics that uh, every advertisement uh, mainly content. Okay. And uh, already we have discussed that the upper age limit is 28 years. That same thing is mentioned. Any query you can send the email to recruitment at the rate powergrid.co.in dot dot ko पूछ सकते हैं कि आपकी जो भी क्वेरी होगी है ना डायरेक्ट मैनेजमेंट के साथ एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट डेट्स टू बी रिमेंबर्ड ओके द स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाइंग फॉर यू जी सी नेट इज ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ दिसंबर एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर यू जी सी नेट इज सेवेंटींथ ऑफ जनवरी ओके देन योर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन बिटवीन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ फेब टू टेंथ ऑफ मार्च इस बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और फिर आप उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा एंड फॉर पावर ग्रिड एप्लीकेशन पावर ग्रिड में आपको अप्लाई कब करना है तो वो आपको अप्लाई करना है टेंटेटिव है वो भी वो फ्लक्चुएट करता रहेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप तो वेबसाइट को विजिट करते रहिए या फिर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए हम आप तक इसकी अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे ठीक है थीके? तो पावर ग्रिड पे पोर्टल पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन होगा ऑन एलेवंथ ऑफ फेब एंड लास्ट डेट विल बी मार्च फिफ्थ ओके

2022. So, thank you so much for watching the Ekdant Environment Education. And if you have any query, you can uh, submit on the mail and you can ask me also. I will clarify it regarding uh, this uh, detailed advertisement. Okay, thank you so much, friends.